जावेद जी, ये जो सवाल है ये अधिकतर हीरोज से ही पूछा जाता है कि आप जरा अपना एक डायलॉग बोलकर सुना दीजिए, लेकिन मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ लिखने के बाद भी क्या कोई किरदार, कोई एक एक अपनी अपने लिखे हुए डायलॉग्स आपको हमेशा रहते हैं याद, हमेशा आप उनको कभी मन में दोहरा लेते हैं? लोग तो अमूमन गानों को दोहराते हैं अपने मन में या गुनगुनाते हैं, लेकिन एक जो लेखक है, जो लिखता है, जिसके शब्द इतने शक्तिशाली हैं, वो कुछ तो अपने शब्दों को बार बार अपने जहन में दोहराता होगा। श्वेता जी, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप मानेगी नहीं, लेकिन सच ये है कि मैंने अपनी अक्सर पिक्चर जो है जो 70s में लिखी थी या 80s में लिखी थी, वो 70s और 80s में ही देखी, उसके बाद देखी नहीं। ये जो होता है ना, मैं जो फिल्मी गाने लिखता हूँ वो मुझे एक बार लिख के मैंने दे दिया, सिंगर ने गा दिया, गाना रिकॉर्ड हो गया, मुझे उसके वर्ड भी याद नहीं रहे, जबकि मुझे अपनी जो लिटरेरी पोइट्री है वो सब याद, जबकि मुझे दूसरों की पोइट्री सब याद है, और जो गाने याद है वो मुझे सब दूसरों के याद है। शैलेंद्र जी के, साहिल के गाने मुझे याद, लेकिन अपने नहीं। मुझे ऐसा लगता है जब मैंने लिख दिया, ये मेरा कमर्शियल वर्क था, मैंने दे दिया, वो इस्तेमाल हो गया, अब दूसरे जाने उसे संभाले, हो उन्हें पसंद है तो अच्छा है, नहीं पसंद है तो क्या करें मजबूरी, लेकिन मैं उसे याद नहीं रखता। दूसरे ये कि मैंने एक पिक्चर जो लिखी थी 30 साल पहले 35 साल पहले, अब मैं उस फिल्म के डायलॉग अकेले में बैठ के दो रहा हूँ, तो इसके मतलब है कि मैं तो ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे सोचना चाहिए कि मैं अब क्या लिख रहा हूँ, बजाय इसके वो पुराने लॉरेल्स पे बैठे हुए, अच्छी बात नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज आपने कही है कि हमेशा कुछ अच्छा करना है जी, आपके बच्चों की तरह होता है। अब हाँ, आप ही के बच्चे, लेकिन अब वो बड़े हो गए, अब वो चले गए दुनिया में कुछ कर रहे हैं, अब मैं उन बच्चों के सारे काम का क्रेडिट मैं लेना शुरू करूँ तो गलत। ऐसे ही ये जो है ना गीत या जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग है, ये भी ऐसे ही है, ये बच्चे हैं, ये आपने लिख दिए, अब वो गए, वो दुनिया वालों ने उन्हें पसंद किया। क्यों पसंद किया दुनिया ने? इसलिए कि उन लोगों के दिलों में जो दर्द था या जो फीलिंग थी या जो भावनाएं थी, उनसे इस डायलॉग का या इस गीत का कोई कनेक्शन हो। ये गीत अपने अंदर अमर नहीं हुआ है, ये इसलिए अमर नहीं हुआ है कि किसी ने लिखा है इसे, ये इसलिए अमर हुआ है कि ये लोगों के दिलों को छुआ है, इसलिए तब बड़ा हुआ है। अब उसका सारा क्रेडिट, उनके दिलों का क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता ना, उनके अपनी भावना का, उनके अपने जज्बात का एक गीत का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो मेरा नहीं है। तो दरअसल अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, इसके अपने दोस्त है, इसका अपना सर्कल है, अपनी दुनिया में घूम रहा है, कुछ रहे जा रहा है बस।